हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है संडे और यहाँ पे फिर हाजिर हैं एक संडे स्पेशल वीडियो के साथ। और संडे स्पेशल वीडियो में आज हम कवर करेंगे आपके 12 नोटिफिकेशंस, यानी जिसमें आपकी 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 9 अदर यूनिवर्सिटी हैं जिनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इस नोटिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। चूँकि यहाँ पर 12 आपके नोटिफिकेशंस हैं और यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पर हम जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं उन्हें शॉर्ट में कवर करते हैं, आपको एक अपडेट दे दिया जाता है। बाकी अगर आप इन पर डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे लगभग सभी नोटिफिकेशंस पे वीडियो बनी है, और जिन पे वीडियो नहीं बनी है तो यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट दे ही देता हूँ, आप उनकी एलिजिबिलिटी और अन्य पॉइंट्स चेक करके अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम इस वीडियो की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप कहीं वर्किंग डेज में बिजी रहते हैं और आपको समय नहीं मिल पाता है बीच में वीडियो देखने का, लेकिन आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस संडे स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन सप्ताह के देखने को मिल जाएंगे और आप उसमें अपनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन एक वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस संडे स्पेशल वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी हम अपने स्पेशल पीडीएफ पे चलेंगे जहाँ पे आपके नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे अपने स्पेशल पीडीएफ पे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये दोस्तों हमारा स्पेशल पीडीएफ है और इसमें हम जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का नोटिफिकेशन जो ऑनगोइंग है। ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पर रेगुलर एंड पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सेशन आपका जो रहेगा वो 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे पहले इसकी 22 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट जो एक्सटेंड हो गई 31 जनवरी 2024 हो गई, तब तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके पॉइंट्स की बात करें तो फेलोशिप अवेलेबल ही रहेगी, कैंपस में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और एग्ज़ाम की डेट तो बाद को नोटिफाई की जाएगी। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 39, जिनमें आप यहाँ पे 956 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीट्स हैं, इसलिए दोस्तों इसे मैंने फर्स्ट पे रख रखा है, इसलिए यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्शन के। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स को 2000 रुपये फीस, SC ST PH कैंडिडेट्स को 1000 रुपये अप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, अगर आप यहाँ पे नेट जे कुछ भी क्वालिफाई हैं लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 55% मार्क्स अगर आपके पास हैं कंसर्न सब्जेक्ट से तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 5% का एक्सेशन मिल जाएगा। ये दोस्तों आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी की शॉर्ट डिटेल्स हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर चलेंगे, बात करेंगे आपकी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, जो कि आपको यहाँ पे जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये भी काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे सेशन 21-22 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलेक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला और यहाँ पे भी इंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट्स को इंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC के नॉन क्रीमिलेयर को कैंडिडेट्स को 700 रुपये फीस और SC ST कैंडिडेट्स को 350 रुपये फीस पे करनी है। 912 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, और 38 आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट दोस्तों बाद को नोटिफाई की जाएगी, एग्ज़ाम शायद आपका कैंपस में ही होगा और फेलोशिप के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 29 जनवरी 2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। बात करेंगे अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पे मणिपुर में देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में तो 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी लगभग सभी नोटिफिकेशन में सेम है, तो एलिजिबिलिटी को हम नहीं बताएंगे और किसी नोटिफिकेशन में अगर स्पेशल एलिजिबिलिटी होगी तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और वहीं पे जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप होगी तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट या सिलेट क्वालिफाई हैं उन कैंडिडेट्स को भी एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी, वो कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं।
फीस की बात करें तो 500 रुपये आपको पे करनी है, और यहाँ पे जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको 27 देखने को मिलेंगे, सीट्स दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये दोस्तों यूनिवर्सिटी का कैंपस ही रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम की डेट है वो बाद को नोटिफाई की जाएगी। फेलोशिप अवेलेबल है फॉर नॉन JRF, तो अगर आप नॉन JRF भी हैं तो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाएगी। चूँकि एक दोस्तों ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है वो लगभग 8,000 रुपये तक आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है। बस आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। 2 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर NIT रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म 29 जनवरी 2024 तक सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है और एग्ज़ाम सेंटर बाद को नोटिफाई किए जाएंगे, एग्ज़ाम डेट भी बाद को नोटिफाई की जाएगी। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 18 देखने को मिलेंगे, सीट्स दोस्तों यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। यहाँ पे फीस की बात करें तो OC जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फीस पे करनी है, SC ST PWD कैंडिडेट्स को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप JRF क्वालीफाई होंगे या नेट या टीचर फेलोशिप या फिर MPhil क्वालीफाई होंगे तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे NIT रायपुर में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कई कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, एक तो फुल टाइम स्पॉन्सर्ड एंड सेल्फ फाइनेंस एंड पार्ट टाइम पे कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये आपको सागर MP में देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है। सेशन 23-24 आपका रहेगा, एलिजिबिलिटी में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होंगे, यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेट JRF CSIR का नेट JRF गेट CDA को एग्ज़ाम क्वालीफाई होंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC के नॉन क्यूमिल है, और OBC कैंडिडेट्स को पे करनी है। 500 रुपये यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, बाकी यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस यहाँ पे आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट की बात करें तो 36 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप 202 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 मार्च 2024 को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो कैंपस में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फेलोशिप यहाँ पे भी अवेलेबल है, नॉन JRF के लिए फेलोशिप अवेलेबल है, चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आपको कुछ अमाउंट में फेलोशिप मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 2 फरवरी 2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और हमने नीचे चलेंगे, बात करेंगे आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो अभी ऑन गोइंग है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है आपकी, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट गेट या फिर सीड या फिर JRF क्वालीफाई होंगे तो इन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है जनरल OBC कैंडिडेट्स को, और SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। सीट्स दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 45 देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो शायद लगभग सभी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 2nd एंड 3rd वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर शायद आपका कैंपस ही रहेगा, और यहाँ पे फेलोशिप के लिए आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2024 है। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि आप यहाँ पे 5 फरवरी 2024 तक अपनी हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। ये आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन हो जाता है, जो कि ऑनगोइंग है, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे महाराजा श्री रामचंद्र भांज देव यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है, जो कि आपको ये बरीपादा उड़ीसा में देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन ये आपकी एक यूनिवर्सिटी है, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
यहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स नेट या फिर यहाँ पे गेट, JRF या ग्री या स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर, ये कुछ हैं अगर आप, तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। यहाँ पे फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। आपको सीट्स यहाँ पे 71, सब्जेक्ट्स आपको 12 देखने को मिलेंगे जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट है वो 7 फरवरी 2024 है। और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो कैंपस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी 2024 है। और यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो दोस्तों यहाँ पे शायद आप देख लीजिएगा, ऑफलाइन सबमिट करना है कि ऑनलाइन, ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप इस पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे महाराजा श्री रामचंद्र भानदेव यूनिवर्सिटी हो चुकी, जो कि यहाँ पे उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। बात करेंगे आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि यहाँ पे बंकूरा यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये बंकूरा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। ये भी आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन ये भी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे फेलोशिप या स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। फीस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैंडिडेट्स को ₹1,000 फीस पे करनी है, और SC ST कैंडिडेट्स को ₹800 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सीट्स आपको यहाँ पे 153 और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 13 देखने को मिलेंगे जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई है। और एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें तो शायद आपका कैंपस ही रहेगा, और यहाँ पे इसकी लास्ट डेट जो 1 फरवरी 2024 है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये आपकी बंकूरा यूनिवर्सिटी हो जाती है। बात करेंगे आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये आपको डिब्रूगढ़ असम में देखने को मिलेगी। ये भी आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों वही है कि 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, और जब कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो नेट JRF एंड कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप रखते हैं, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ₹750 एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट्स को पे करनी है। सीट्स दोस्तों नोटिफाई नहीं की गई हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 11 देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम चूँकि यहाँ पे होगा नहीं और ना तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर से कोई मतलब है, फेलोशिप अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको मिल जाएगी। और 28 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी भी यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे 2/2/2024 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सबमिट कर दीजिएगा। ये आपके यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाती है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे आपकी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है। ये आपको यहाँ पे पांडिचेरी में देखने को मिलेगी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये भी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, ये जब कैटेगरी से आएंगे तो आवेदन 5% का आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास फेलोशिप है तभी यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिन कैंडिडेट्स के पास कोई फेलोशिप है वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले लेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ₹500 SC ST कैंडिडेट्स को पे करनी है, बाकी यहाँ पे जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनको ₹1,000 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप PH या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। सीट्स आपको यहाँ पे 423 देखने को मिलेंगी। आप 52 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम सेंटर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंसर्न डिपार्टमेंट में कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फेलोशिप भी अवेलेबल है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31 जनवरी 2024 है। ये आपकी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पांडिचेरी में देखने को मिलेगी। ऑनगोइंग है इसके एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनगोइंग है। ये आपको बेलागावी कर्नाटका में देखने को मिलेगी। एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये भी है आपकी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे UGC का नेट, JRF या ग्री या फिर स्लेट, टीचर फेलोशिप होल्डर होंगे, उन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी और कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ₹2,000 GM एंड OBC कैंडिडेट्स को पे करनी है फ़ीस, ₹1,000 यहाँ पे SC ST और CAT फर्स्ट के कैंडिडेट्स को पे करनी है। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 19, जिनमें आप 120 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे 3 मार्च 2024 को आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्ज़ाम सेंटर कैंपस ही रहेगा आपका। यहाँ पे लास्ट डेट की बात करें तो 5 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। साथ ही यहाँ पे अगर आप ₹250 एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म 12 फरवरी 2024 तक सबमिट कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों आपकी रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लीकेशन फॉर्म ऑन गोइंग है, ये आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी और काफ़ी बेहतरीन अभी आपकी एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, 5% का एलिसेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो यहाँ पे नेट जे आर एफ या स्लेट सेट गेट डी एस टी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर ही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तभी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है सभी कैंडिडेट्स को, वहीं पे एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सीट्स आपको यहाँ पे सिर्फ 22 और 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि आपका इंटरव्यू होगा तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम और जो एग्ज़ाम सेंटर है उससे कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। लास्ट डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों आपके टोटल यहाँ पे 12 यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट थे जो कि यहाँ पे आपके सभी अपडेट्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप इनमें किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे कोर्स हैं, इंटरव्यू के समय आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर टॉपिक सजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों उसके लिए हमारे कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और आपके लिए एक हमारी टीम तैयार है हमेशा के लिए और यहाँ पे आपको उसकी मदद मिलेगी जिससे आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपका संडे स्पेशल का वीडियो था और आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों इस नोटिफिकेशन की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।